हर चीज का अपना अपना यूटिलाइजेशन है, ओके हर सर, एक बेल्ट का, हर एक कलर का, हर एक डायल का अपना अपना तरीका है, अपना अपना मीनिंग है, किस टाइम पे कौन सा वॉच पहने। जैसे कई लोग देखेंगे, कई लोगों के घर में मतलब अपना कलेक्शन, कई लोग ना रिस्ट वॉच कलेक्ट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 वॉच ही अपने पास रखें, ठीक है, उससे ज्यादा ना रखें। ज्यादा वॉचेस रखने पे वो इफेक्ट करते हैं। अगर आप सारे वॉचेस को डे बाय डे चेंज करके पहनते हैं और सारे वॉचेस आपके साथ कनेक्टेड हैं, तो फिर आपके लाइफ में हमेशा ना वो रहेगा, मतलब डिलेमा बना रहेगा कि क्या करें नहीं करें, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर आप किसी चीज के प्रति बहुत पर्टिकुलर है कि मुझे ये इस तरह की चीजें अच्छी लगती है, ये पहनना सही है, तो आप रख सकते हैं। हार्डली बहुत ज्यादा हुआ तो आप 4 कलेक्शन रखें, 4, उसके ऊपर ना जाए, ठीक है। और तो गिफ्ट वो दे भी मैं देते लास्ट हैं। में, कोर्स के लास्ट में ये बता दूंगा कि जैसे अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से आप कितने टाइप के वॉचेस अपने पास रख सकते हैं, ताकि आप जब जो चाहें वो काम जो है बनवा सके, मना सके, अपने हिसाब से करवा सके। सर, कोई लोग घड़ी भी जैसे गिफ्ट आपने करते कहा हैं ब्लैक तो ये घड़ी भी मेडिटेशन के लिए अच्छा होता है, तो एक। क्या हम आइसोलेट ना होते हुए डेली प्रैक्टिस जब मेडिटेशन का करते हैं, सिर्फ वो 1 घंटे के लिए हम ब्लैक पहने तो चलेगा? चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा। ओके ब्लैक, एक क्वेश्चन सर, हाँ मैं बता देता हूँ, ब्लैक जो है ना, सर एक मिनट रुकिए, ब्लैक जो है ना, हाँ दिनेश जी आप ही के लूंगा मैं, एक मिनट रुकिए। ब्लैक जो है ना, सबसे पहला काम क्या करता है, ब्लैक आपको हर मतलब दुनियादारी से कट कर देता है, कट। जो बच्चे बहुत ज्यादा दोस्ती यारी में, सोशल लाइफ लाइफ जिन वो करते हैं, क्या कहते हैं, अरे दोस्त मिल गए, लग गए वहां पर गप्पे मारने, लग गए घूमने फिरने के लिए, जो बच्चे घर में नहीं बैठते, स्टूडेंट्स स्पेशली, उनको आप ब्लैक वॉच दिला दो, वो धीरे धीरे दोस्तों से हटे हट जाएंगे, कट जाएंगे, और अपने घर में, अपने पढ़ाई में, अपने अपने ऊपर फोकस कर लेंगे ज्यादा, ठीक है। हाँ दिनेश जी बोलिए, क्या पूछ रहे थे आप। जी सर आपने बताया था कि अभी जैसे मान ले किसी ऑफिस में गए, हाँ अगर वो मेल पर्सन है तो हमें राइट हैंड है और राइट हैंड में ही पहनना चाहिए, तो राइट, एक बार थोड़ा क्लियर करना है, समझ में नहीं आया। जैसे अगर वो हम लेडीज सामने बैठे हैं तो उस वक्त कौन उस सा वक्त है? आपको लेफ्ट हैंड में पहनना है। क्यों, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हम नॉर्मली जानते हैं राइट हैंड साइड हमारा क्या होता है, ईड़ा नाड़ी, लेफ्ट हैंड होता है पिंगला नाड़ी, राइट, हाँ जी बीच में राइट होता है सुषुम्ना, जी ठीक है। तो ईड़ा नाड़ी पे जब हम घड़ी पहन रहे हैं तो हमारा सूर्य तत्व एक्टिव होगा, जी 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 ठीक है। सूर्य तत्व जब एक्टिव होगा, आपको पता है कि अगले से कैसे बात करनी, उससे बहुत क्लियर कट खड़ी बातें करना है। लड़कों के साथ डी जो बातें डील होती है ना, वहां घुमा फिरा के बातें नहीं होती, टू द हाँ जी पॉइंट होती है। हाँ जी हाँ जी लेकिन जब आप फीमेल के साथ डील कर रहे हैं तो आप कभी भी घुमा एकदम से कड़वा या सीधा नहीं बोलेंगे, आप थोड़ा सॉफ्ट हो हाँ जी हाँ जाएंगे, जी हाँ जी हाँ जी समझेंगे, हाँ चलो फीमेल से बात करें, थोड़ा हम अपनी बात में, बातचीत में कामनेस रखें, हाँ जी नहीं हाँ तो जी उनको हर्ट हो सकता है। इस वजह से हम जब फीमेल से बात कर रहे हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड में होना चाहिए। नॉर्मली 70% लोग 72% लोगों को आप बाएं हाथ में ही पहनते हुए देखेंगे लेफ्ट हैंड में, और थोड़े से वो लोग इमोशनल भी होते हैं और उनका फेमिनाइन साइड जो है ज्यादा एक्टिव होता है, और हाँ वो जी ज्यादातर फैमिली ओरिएंटेड ही मिलेंगे आपको, 70% लोग। हाँ जी जी मानव जी दूसरा कुछ पूछ रहे थे, पूछे। हाँ सर जी एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे राइट हैंड हूं मैं तो मुझे कौन से हैंड में घड़ी पहननी चाहिए? आपके आपके आप जहां पर जॉब करते, काम करते हैं, वहां पर मेल ज्यादा है फीमेल ज्यादा है, मिक्स है, मेल ज्यादा है, मिक्स है मतलब नहीं मिक्स है, फिर भी हाफ कोई तो ज्यादा होगा यार, ऐसे हाफ, थोड़ी मेल है, ज्यादा है। मेल ज्यादा है, तो आप राइट में पहन के यूज कीजिए, तो मेल लोगों के साथ ज्यादा आपका कनेक्शन बैठे बनेगा। अगर आप चाहते कि नहीं आपका काम जिनसे बनता है उसमें फीमेल ज्यादा है, तो लेफ्ट में पहन के रखिए। ठीक है थैंक यू। फिर हाँ लेडीज को कैसे पहनना चाहिए सर? लेडीज को, मैडम आप क्या, आपके दोस्त यार कैसे हैं, लेडीज मेरे तो वाले ही हैं, सभी तरह के दोस्त हैं मेरे नहीं ना तो तो काउंट करो ना मैडम, कितने लड़के दोस्त हैं, कितने वो नहीं, दोस्त मैं हैं। तो अब एज वाली हूँ, 76 ईयर हूँ, हाँ तो मेरे आपके दोस्त साथ होते हैं। आपके सारे जितने भी होंगे वो फीमेल्स ही होंगे, तो आप लेफ्ट यूज ओके करो। मैं तो लॉजिक समझा रहा हूँ ना, लेडीज और मेल की बात मत लगाओ, मैं लॉजिक अच्छा बता रहा हूँ आपको। नहीं, मैं राइट तो पहनती हूँ सर, मैं राइट में पहनती हूँ इसीलिए आपको पूछ रही हूँ आप हमेशा राइट में से। पहनती है तो फीमेल के साथ बहुत सीधा सीधा बात करती है ना, आप लेफ्ट में जब बात करेंगे देखिएगा आपकी फीमेल फ्रेंड ज्यादा बन जाएंगी। ओके सर, हाँ व्हाइट आई का क्या इफेक्ट होता है सर? एक मिनट, मानव जी बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा था, मैं गोल्डन व्हाइट पहनता हूँ, लेफ्ट हैंड में पहनता हूँ, और
इसमें डायल भी उसका मोस्टली गोल्डन ही रखते हैं, येलो रखता हूँ, तो क्या गोल्डन बेनिफिशियल रहता है? अच्छा है, गोल्ड कलर जो है गोल्ड सिल्वर ये सोफिस्टिकेशन को दिखाता है, और ठीक है, सर एक बात बताइए, अमीरी को जैसे ये दिखाता है, कहते, लग्जरी को दिखाता है। और एक बात और बताइए कि जैसे लेफ्ट हैंड पहनते हैं तो ये क्या मतलब किसी हाउस से भी रिलेटेड होता है, थर्ड हाउस या फोर्थ हाउस, ऐसे कुछ कुंडली के नहीं हिसाब से? ऑब्वियसली कुंडली, कुंडली के साथ देखिए, थर्ड हाउस क्या है, पांचवा है ना, पराक्रम बढ़ा रहा है ना, तब आप थर्ड ठीक हाउस एक्टिवेट होता है, आपका एफर्ट बढ़ जाता है जब आप घड़ी पहनते हैं ना। अभी मैंने है। क्या बताया, घड़ी पहनने वाले के पास उद्देश्य होता है और उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो दमखम लगाता है, प्रयास। थर्ड हाउस एक्टिवेट होता है जब हम घड़ी पहनते हैं। ठीक है सर, एक बात और, अब मैंने ना बहुत टाइम से, कई सालों से यही एनालॉग ही पहन रहा हूँ, तो लेकिन अब थोड़ा मन कर रहा है कि ये आजकल जैसे फास्ट वॉच, स्मार्ट वॉच ही आ रही है, तो मैं आपका उसमें काम बदलने को मैं कैसा जा है? रहा हूँ। आपका काम सिर्फ क्रिस्टल और जेमस्टोन का है क्या? मैं फिलहाल तो जॉब कर रहा हूँ, साइड बाई साइड ये थोड़ा एक्नोलॉजी की तरफ डाइवर्ट हो रहा हूँ, ओके, तो जॉब जॉब करता हूँ मैं, जॉब जॉब का फंक्शन क्या है? फैब्रिक है, फैब्रिक देखता हूँ, इंचार्ज हूँ, इंचार्ज। बस तो नहीं, मत पहनो, आप डिजिटल वॉच मत पहनो, आप जैसा हो, सर गोल्ड अच्छा है फैब्रिक के लिए, गोल्ड बहुत अच्छा है, तो आप मत जाओ, उस प्रोफेशन के हिसाब से उसमें गोल्ड बहुत अच्छा है। कुंडली में ना जुपिटर थोड़ा वीक है, तो उसी हिसाब से मुझे बोला जितना आप मोस्टली गोल्ड यूज कर सकते हो वो मैक्सिमम हाँ करें, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, आपने, आप इसको छोड़ के मत जाओ कहीं भी, जब भी लेना हो गोल्ड लेना। और यस सर ऐसे आजकल स्मार्ट वॉचेज में भी गोल्ड वॉच आ गए हैं डायल के साथ, सिर्फ अंदर का जो वो है, नहीं जाऊंगी जलने दे, तो अरे एक सर चीज और समझो ना समझा, बात को, अंदर क्या पड़ा है, जो हम एनालॉग पहन रहे हैं वहां पर मैकेनिकल पार्ट्स हैं, और जो हम हाँ डिजिटल पहन रहे हैं मशीनरी है। वहां चिप है, सिलिकॉन चिप के अलावा क्या है उसके अंदर, कोई अच्छा मैकेनिकल एक चीज पार्ट और तो नहीं सर, है। हाँ सर एक चीज और, जैसे मैं मोस्टली जैसे हाथ से ना पसीना बहुत आता है, तो 6 महीने या 7 महीने बाद ना वो पसीने की वजह से ना उसका जो चेन होती है वो बहुत मतलब रफ हो जाती है, खराब हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ 6 महीने साल घड़ी यूज की, उसके बाद जाके उसे सेल करके मतलब कुछ वो करके नई ले आता हूँ, तो क्या ऐसा होता है कि हम घड़ी सेल कर सकते हैं? नहीं, फिर घर हाँ वाले बिल्कुल बताते हैं कि सेल घड़ी कर सकते हैं सेल ना, नहीं करनी सेल चाहिए, कर सकते हैं, बिल्कुल सेल कर सकते हैं, फिर मैंने अभी मैं बोला सेल ना। करता हूँ वो दिया, दूसरी नहीं ले आया। हाँ फ्री का मत बांटना किसी को, दान नहीं देना आपने घड़ी को, नहीं आप सेल सर कर दो, तो मैंने मतलब कुछ पैसे लेके सेल कर दी थी। ठीक, बढ़िया बहुत बढ़िया, सेल कर दो। थैंक यू। हाँ देवीशी बोलिए। थैंक यू सर। सर ये वॉच को कुंडली से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? डिजिटल वॉच ऑरेंज फ्लिप के साथ, ऑरेंज पट्टी के नहीं साथ होता कर ना, सकते? अरे मैडम मैंने क्या बोला, मैंने एनालॉग के साथ कनेक्ट किया था, इसलिए एनालॉग पहनना ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा सही रहता है। डिजिटल के साथ कुंडली को मैच मत कीजिए, तब डिजिटल पूरी तरह से राहु हो जाता है, यहाँ पे रूल ही उसी का चलता है, इसलिए मैंने बोला अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, इंटरनेट में 24 घंटे में से 20 घंटे घुसे हुए रहते हैं और वहीं से आपका इनकम आता है, तभी आप डिजिटल वॉच पहन, अदरवाइज नहीं। अच्छा, और कोई लोग गिफ्ट देते डिजिटल वॉच जो है ना वो पूरी तरह से प्योर राहु है और कुछ नहीं है, वहां ना शनि काम कर रहा है ना सूर्य काम कर रहा है, वो प्योर राहु है। हैं, एज आपने बताया कि डिस्पोज 10-20 रुपया लेके कर दो या तो जमीन जमीन में में गाड़ नीचे दो। गाड़ दो। ओके, और दूसरा सर, अगर कोई गिफ्ट करता है हमको तो वो लेना ठीक है किसी से? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें गिफ्ट में कोई इशू नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बट कोई अगर गलती से ब्लैक कर देना, उसको रिटर्न कर देना या उसको पैसे दे देना, 10 रुपए नहीं, या 20 रुपए दे घड़ियां देना घड़ियां दान ब्लैक। देनी चाहिए कि नहीं चाहिए दें, किसी को नहीं गिफ्ट करें कि नहीं करें घड़ी? वही मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ ब्लैक बताइए। घड़ी ना तो आपने किसी को गिफ्ट करनी है और ना ही आपने किसी से गिफ्ट लेनी है, ब्लैक घड़ी, ब्लैक के ओके अलावा सब घड़ी आप ले सकती हैं और दे भी सकती ओके, थैंक हैं। डिजिटल यू वॉच सर। दे सकते हैं गिफ्ट, जो छोटे छोटे बच्चे पता है गिफ्ट का, हाँ दस बारह डिजिटल डिजिटल साल वॉच के दे सकते हैं, दे सकते गिफ्ट कर सकते हैं। बैग हैं, पहनने ठीक, में कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं पहनने में कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक पहनने का काम बताया, अगर आप बहुत ज्यादा किसी रिसर्च वर्क में घुसे हो, आपको नहीं चाहिए ज्यादा डिस्टर्बेंस, तो ब्लैक पहन लो।